अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करूँगा सब खैरियत से होंगे। जो दो वाक़यात लाहौर में हुए बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़यात है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। इस बारे में मैं तो वीडियो भी बनवाना ही नहीं चाहता था और इस बारे में बात भी नहीं कर रहा था। जो मैं ज़्यादातर वीडियो बनवाता हूँ, मेरा वीडियो तो होता है ब्लॉग की वीडियो होता है। अभी जो सोशल मीडिया पे हर जगह पे देख रहे हो जो दो वाकयात हुआ है, यही इस ज़्यादातर वीडियो तो आयशा के वीडियो चल रहा है। सबसे पहले इकरार और हसन की बात करूँगा। पहले तो उसने पोस्ट किया था इस वाकये ने तो इस वाकये को तो इकरार ने बताया था। उसके बाद तो पहला इसका वीडियो भी आया था यासिर शामी के साथ, जो अपलोड किया था। इकरार ने तो जुल्म के खिलाफ इकरार ने तो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया था। जो इसके साथ ज्यादती हो गया था उसके साथ खड़ा हो गया था, ना इसके करेक्टर के ऊपर खड़ा हो गया था। या ये टिकटॉकर है, इसकी क्या हरकतें हैं, इसके ऊपर तो ये खड़ा नहीं हो गया था। बाकी सब इकरार को गाली दे रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो गया, बहुत ज़्यादा अफसोस। मुझे तो खुद भी शर्म आ रहा है इस चीज़ के ऊपर। दोबारा इकरार ने जो दूसरा वीडियो बनवाया है वो सबसे माजरत कर रहे हैं। और मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने जो आयशा को सपोर्ट किया है, या जो बाकी जो मैंने एक्सपोज किया है, मैंने जो जुल्म के खिलाफ मैंने आवाज़ बुलंद किया है, मैं इसके लिए ऊपर माजरत चाहता हूँ। आप लोग खुदा रहा, ये लोग को इज्जत दे, रिस्पेक्ट करें। इन लोग ने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। जो इकरार ने जो इतना एक्सपोज किया है, मेरे ख्याल में जो दूसरा साफ़ी होता है या जो जो दूसरा जर्नलिस्ट होता है, इतना एक्सपोज नहीं किया है जितना इकरार ने एक्सपोज किया है और जुल्म के खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद किया है। बहरहाल मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा इन लोग पर अफसोस हुआ है जो इकरार को इन लोग ने गाली दी है। अभी मीनार पाकिस्तान के ऊपर बात करूँगा। जो आयशा के साथ 14 अगस्त के दिन जो वाकया हुआ है, इसको क्या जाने की ज़रूरत है मीनार पाकिस्तान 14 अगस्त के दिन जाने की? जो इतना जम गफीर मीनार पाकिस्तान में जो इतना लोग था, 500 लोग था, 600 या 700 लोग था, क्या ज़रूरत है आपको जाने की? ये थोड़ा ही गोरा पे। और दूसरा, आप एक टिकटॉकर हो, जो लोग टिकटॉक यूज़ करती है उन लोग को तो मालूम ही है एक टिकटॉक स्टार है। बहरहाल पहले तो मुझे खुद मालूम नहीं था एक टिकटॉकर है, ना मैं यूज़ करता हूँ, ना मुझे पता है किस तरह यूज़ होता है टिकटॉक। बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर अफसोस हुआ है। एक सेफ प्लेस में जाओ, एक सेफ जगह में जाओ। ज़रूरी नहीं है 14 अगस्त के दिन आप मीनार पाकिस्तान में जाओ, 15 अगस्त, 16 अगस्त, बाकी दिन जाओ। आप टिकटॉक बनवाओ कि जो बनवाओ के बाकी दिन बनवाओ, ज़रूरी नहीं है 14 अगस्त के दिन ये काम आप करो। और बाकी मुझे इस चीज़ पर हैरत हुआ है जो सोशल मीडिया पे जो चैनलें हैं, दो तीन चैनल ने पूरी तौर पर इस वीडियो को हाईलाइट किया है, आयशा के साथ किया हुआ है। अभी तो सब छोटे बड़ों के मालूम है इसके साथ क्या हुआ है। बाकी जो सोशल मीडिया के जो चैनल हैं, बाकी आप लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ें, पुलिस के पास जाए, इंटरव्यू करें, इसके साथ क्या गिरफ्तारी हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या पेशरफ्त हुआ है। अभी अफसोस के साथ कहना पड़ता है। कल मैंने एक वीडियो देखा था, 71 साले को इन लोग ने गिरफ्तार किया था। मुझे अफसोस हो गया पुलिस के ऊपर, 71 साला इतना बूढ़ा शख्स सारा काम करेगा। अभी 400 लोग हैं, 400 लोग तो बहुत ज़्यादा है। पता नहीं है कौन कौन लोग ने इस सारा काम किया। जो लोगों ने किया उन लोग को तो कैफर किरदार तक पहुँचा है, जो निशान इबरत लोग बने, जो ये वाशी धर्मदेह लोग हैं, जो लोग बाकी लोग इस सारा काम नहीं करे, ये इस सारा काम करे जो बाकी चैनल है एक काम नहीं कर रहे, सब एक काम कर रहे, सबसे एक इंटरव्यू कर रहे हैं। पहले तो उसका बुराई कर रहे चंद चैनल, उसके बाद इससे इंटरव्यू कर रहे। आपके साथ क्या हुआ है? कई चैनलों पे मैंने देखा है तो 4-5 एपिसोड इन लोग ने बनवाए हैं इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा अफसोस है इसके ऊपर। आप लोग काम कर रहे, क्या पेशरफ हुआ, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और दूसरा वाक्य के ऊपर बात करूँगा जो चिंची के ऊपर हुआ है, ये तो सबसे बदतरीन वाक्य है।
जो इस लड़की के साथ हुआ, जो इतना शरीफ लड़की है। अभी लड़कियों तो बिल्कुल सेफ भी नहीं है। और ये तो पता नहीं है, जो वीडियो में पीछे आवाज आ रहे एक दो बंदे, ये लोग इंसान भी नहीं है, वाशी है, दरिंदे हैं। इन लोग के शायद, मैं बोल रहा हूँ, इसके पास माँ भी नहीं है, बहन भी नहीं है इन लोग के पास। ये शायद उन लोग का इज्जत भी नहीं करे, इसके ऊपर भी सब वीडियो बनवा रहे। अभी आप लोग, आपसे बोल लूंगा, जिसके पास जाए जिस वाकये को तो रिपोर्ट करे, इसको तो दो बंदे, इसको गिरफ्तारी करे। तो फोन किया है इस तरह काम, गिरफ्तारी करे, लोग को अलर्ट करे, ताकि बाकी लोग इस तरह काम नहीं करे जो इस तरह काम हो रहे थे। बाकी लोग सबक सीखे इस चीज का, इसको चौराहे में खड़ा करे, इसको निशाने व्रत बनाए, ताकि इस तरह लोग दूसरे लोग इस तरह काम नहीं करे। कसम से मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ इसके ऊपर। मैं पहले भी बता रहा था इसके ऊपर, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। अब मुझे सोशल, जो चैनल है सोशल मीडिया पे, मुझे भी उस लोग से बहुत ज्यादा मायूसी हुआ है। सही है, दो तीन लोग ने अलर्ट किया, बाकी लोग ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सब इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं खुद यूरोप में होता हूँ, जर्मनी में होता हूँ, खुदा की कसम इस तरह वाकया जर्मनी में वो है, किसी को आप शेरखानी करे, किसी के ज्यादा जाती करे, फौरन आपके पास पुलिस आएगा, आपको पुलिस ले जाएगा, उधर आपको हवालात में बंद करेगा या जेल में आपको सजा मिलेगा। उसके बाद कोई भी इस तरह काम नहीं करते हैं। आपके साथ एक वाक्य शेयर करूंगा, इस वाक्य से बहुत रिलेट करते हैं। ये वाक्य मेरे सामने हुआ था तकरीबन 2-3 साल पहले, मेरे घर के साथ जो दो लड़के हैं जो अफ्रीका का था, ये लोग ट्रेन स्टेशन पे गया था, बहुत ये लोग ज़्यादा नशा किया था, नशे की हालत में एक लड़की को इन लोगों ने छेड़खानी किया था या उन लोगों के साथ ज्यादा किया था, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। फौरन लड़की ने FIR किया था इन लोगों को, जिस तरह FIR नहीं हो गया था, रात को इस लोग ने इस तरह काम किया था, सुबह इन लोग ने FIR किया था, पुलिस इन लोग का घर पे आया था। जैसा मैं अपना घर से निकल गया था, मुझे उस टाइम पता नहीं था क्या हो गया था, मैं एकदम हैरान हो गया, मैं डर गया, मैंने बोला क्या हो गया, न किसी को आने दे रहा था न किसी जाने को दे रहा था, ये लोग गायब हो गया था उस टाइम ही था। उसके बाद इन लोग को ढूंढा, जिस तरह इन लोग को ढूंढा, इन लोग को ले गया हवालात में या जेल में, इन लोग को बंद किया, इन लोग को सजा हो गया, 2-3 साल सजा हो गया। एक तो अभी रिया हो गया, उससे तो मैंने मिले, और दूसरा भी गायब है बिल्कुल, पता नहीं उसको उसका मुल्क में भेज दिया, उसको डिपोर्ट किया है, उसका भी कुछ मालूम नहीं है। मैंने तो काफ़ी बार भी इसके दोस्तों से मैंने पूछा है क्या हुआ है, बोलते हैं हम लोग को पता नहीं है। इस तरह काम करना चाहिए, ये इस तरह काम होते ना, सब सब आयशा के ऊपर आए, उसका कैरेक्टर पर बात करो, ये एक टिकटॉकर है, फलाना है, ढिमकाना है, इस तरह उसका कैरेक्टर को छोड़ो, जो उसके साथ ज्यादा हुआ है उसके ऊपर आप लोग बात करें। जो जो दो दूसरा माँ बहने हैं उन लोग के साथ, अभी अपने को सिक्योर भी फील नहीं करे सबको, जो माँ बहने हैं इस तरह हालत हुआ है। बहरहाल बहुत ज़्यादा अफसोस है आप लोग से, मैं इच्छा करता हूँ इसके ऊपर आप लोग पेशरफ़ करें, गिरफ्तारियाँ करें, इन लोग पुलिस के पास जाए, इन लोग का गिरफ्तारियाँ हो, इनको वीडियो बनवाए ताकि बाकी लोग देखें इस तरह काम नहीं हो, ताकि इनका रोक काम हो, सब ये काम नहीं करें। और सबसे माजरा चाहूँगा, जो मैंने बातें की है या किसी को बुरा लगे, मैं सबसे माजरा चाहूँगा, और वीडियो को तो इधर ही ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।